नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है न्यूज वॉच एक्सप्रेस का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भावुक होकर बोली बिल्कुल बानो, डेढ़ साल में पहली बार मुस्कुरा पाई हूं, फिर जेल जाएंगे बिल्किस के दोषी। सबता कंसवाल मरणोपरांत साहस पुरस्कार से सम्मानित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबता के पति को दिया सम्मान। पुरस्कार पर सीएम धामी का ट्वीट, सबता कंसवाल के साहस को किया नमन। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की थीम पर काम शुरू, वीकेटीसी की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पास, मंदिरों में भी वेडिंग डेस्टिनेशन की तैयारी। राम मंदिर पर कमलनाथ का बयान, कहा राम मंदिर सभी का, बीजेपी के पास इसका पट्टा नहीं है। राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह, सियासी बयानबाजी जारी। पीएम मोदी के अपमान और सीट शेयरिंग को लेकर शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, कहा हमारे एक दूसरे से मतभेद, लेकिन प्रधानमंत्री का बाहर देश में अपमान हम स्वीकार नहीं करते। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, अभी तक मालदीव को हुआ भारी नुकसान। भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल, राष्ट्रपति की कुर्सी पर संकट, पीएम मोदी के अपमान के बाद मालदीव में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। भारत से पंगे पर मालदीव में बवाल, माफी मंगवाने के लिए विदेश मंत्री को संसद से सम्मन, विदेश मंत्री को संसद में सफाई देने के लिए बुलाने का अनुरोध। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लेंगे जायजा। बाईस जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी ने स्वच्छता के क्षेत्र में लगाई ऊंचाई वाली छलांग, संगम नगरी प्रयागराज और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी समेत उत्तर प्रदेश के 6 शहरों को स्वच्छता के लिए विभिन्न पुरस्कार देने की घोषणा। 11 जनवरी को नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का परिणाम होगा घोषित, प्रदेश के 6 शहरों को स्वच्छता का मिलेगा पुरस्कार, पिछले साल 11 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में मिला था सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी खोलने का फैसला। अधिकारियों को प्राथमिक सर्वे के निर्देश, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में प्रबोध कार्यक्रम शुरू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की कार्यक्रम की शुरुआत, इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर किया उनका स्वागत। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दायर, चार्जशीट में राबड़ी सीमा भारती का नाम, ईडी ने चार्जशीट में 7 लोगों को बनाया आरोपी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर, 16 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई, बढ़ सकती है लालू यादव के परिवार की मुश्किलें। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा। उद्धव गुट शरद गुट के 7 सीट बंटवारे पर होगी बात,
दिल्ली बिहार की लोकसभा सीटों पर हो चुकी है चर्चा। एनसीपी से सुप्रिया सुले भी बैठक में होंगी शामिल। कांग्रेस से नाना पटोले, अशोक चौहान होंगे बैठक में शामिल। दिल्ली में मुकुल वासनिक के निवास पर होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में नक्सली साजिश नाकाम। पोटकापल्ली में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश की नाकाम। सुरक्षा बलों ने 15 किलो आईईडी किया बरामद। 212वीं विहीनी आरपीएफ और जिला बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था आईईडी। एमपी के शाजापुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव। मस्जिद के पास उपद्रवियों ने फेंके पत्थर। तनाव वाले इलाके में धारा 144 लागू। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव। खाली प्लॉट में क्लोरीन गैस का रिसाव। आसपास के लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। गैस के रिसाव से लगभग 3 लोग बेहोश। पुलिस ने इलाके को करवाया खाली। सिलेंडरों से हुआ क्लोरीन गैस का रिसाव। पुलिस दमकल एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। एसएसपी ने कहा मामले की कराई जाएगी जांच। बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले की जांच तेज। कोलकाता पहुंचे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन। ईडी की टीम पर हुआ था हमला। ईडी की टीम पर हुए हमले की जांच हो गई तेज। कई बड़े अधिकारियों से भी करेगी बात। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भी होगी चर्चा। राशन घोटाले पर भी करेंगे समीक्षा बैठक। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महासचिवों की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। सपा के पूर्व और वर्तमान विधायकों की बैठक। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई बैठक। लखनऊ से घुसपैठियों का मददगार गिरफ्तार। अबू सलेह मंडल को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 2 आधार कार्ड, 2 मोबाइल बरामद। विदेश से एनजीओ के नाम पर मंगाए थे 58 करोड़। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है अबू सलेह। मामले को लेकर पूछताछ जारी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में समारोह किया गया आयोजित। पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों के साथ कई वरिष्ठ लोग होंगे मौजूद। पुरस्कार वितरण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में की थी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा। छब्बीस खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा। 9 से 10 जनवरी को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में करेंगे सहभागिता। हैदराबाद, कमरीन नगर और वरंगल में करेंगे शिरकत। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू। बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियां की तेज। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को बेहतर करने की तैयारी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेडिंग डेस्टिनेशन थीम पर भी मंदिर समिति काम कर रही। समिति के
अधीन आने वाले सभी मंदिरों को भी किया जाएगा व्यवस्थित। बद्री और केदार मंदिर समिति की हुई बैठक, बैठक में चारधाम यात्रा समेत वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पास। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बड़ा हादसा, ऋषिकेश चील मार्ग में हुए एक एक्सीडेंट में रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत चार लोगों की हुई मौत। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के ट्रायल के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गाड़ी में 10 लोग थे सवार, वाहन का टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा। गाड़ी में सवार दो अफसर सीधे चीला शक्ति नहर में जा गिरे, हादसे में चीला के रेंज शैलेश की हुई मौत, महिला की तलाश में गोताखोरों की टीम जुटी। 14 जनवरी से शुरू हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 20 मार्च को मुंबई में समापन प्रस्तावित, आगामी आम चुनाव के मद्देनजर निकाली जा रही है यात्रा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से निकालेगी यात्रा, 14 जनवरी से मणिपुर के इम्फाल से होगी शुरुआत। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के 150 समुदाय को अयोध्या आने का न्योता। भारत में तनातनी के बीच मालदीव के उच्चायुक्त को किया गया तलब, दिल्ली में विदेश मंत्रालय पहुंचे इब्राहिम साहिब, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी पर जताई नाराजगी। मालदीव की महिला मंत्री मरियम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव हुआ ट्रेंड। बंगाल में ईडी पर हमले का मामला, राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा एक्शन, राज्यपाल ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर की गई मांग, आरोपी शाहजहां पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। इकतीस साल बाद बदलेगा राम मंदिर के दर्शन का समय, अयोध्या में 9 की बजाय 15 घंटे तक होंगे दर्शन, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए लिया गया फैसला। श्रद्धालुओं के दर्शन करने तक खुला रहेगा मंदिर, जल्द नई समय सारणी जारी करेगा ट्रस्ट, देश भर में लोगों में उत्साह। दिवाली की तर्ज पर दिल्ली में सजेंगे मंदिर, 22 जनवरी को सजेंगे दिल्ली के सभी मंदिर, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजेंगे मंदिर। समस्त रामलीला कमेटियों की बैठक में फैसला, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, दिल्ली के मंदिरों में एलईडी स्क्रीन पर प्रसारण। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का होगा भव्य आयोजन, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में भी किया जाएगा आयोजन। वीएचपी कई देशों में जाकर करेगी कार्यक्रम का आयोजन, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होगा आयोजन, विदेश की मंदिरों में हवन पूजन पूजा पाठ का भी कार्यक्रम किया जाएगा। भारत के लिए 22 जनवरी का दिन होगा ऐतिहासिक, अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला होंगे विराजमान, पूरे देश में उमंग का माहौल।
आगरा में एटीएम लूट की बड़ी वारदात, बदमाशों ने रात के घने कोहरे का उठाया फायदा, एटीएम मशीन उखाड़ ले गए बदमाश। राजस्थान बॉर्डर से सटे इलाके में एसबीआई एटीएम को उखाड़कर पिकअप में ले गए बदमाश, कैश बॉक्स में करीब 30 लाख रुपए थे मौजूद। आगरा कमिश्नर, बैंक अधिकारी और जांच टीम मौके पर पहुंची, वारदात के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एसओजी टीम मामले की जांच में जुटी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फोटेज खंगालने में जुटी पुलिस, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, ललितपुर के गांव में महिला ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर युवक पर बेरहमी से किया हमला। महिला ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर युवक पर प्राइवेट पार्ट धारदार हथियार से काटा, पीड़ित और आरोपी दोनों मजदूर, युवक की हालत गंभीर, इलाज के लिए किया गया भर्ती। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में योगी सरकार, अगले महीने आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने की तैयारी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के बाद तैयारी, 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास, जल्द तय की जाएगी तारीख। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से बिहार जा रही डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकराई, कई यात्री घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सवारियों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, बस में करीब 40 सवारियां थीं मौजूद। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे के हालात बने। आईएमडी के मुताबिक देश के इन राज्यों में अगले 2 दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के आसार। ठंड के साथ कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाई, अधिकांश ट्रेनें फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से लेट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के उत्तर पश्चिम इलाके में रहेगा घना कोहरा। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, सुबह और शाम को पड़ रहे कोहरे से तापमान में आई गिरावट। उत्तर भारत में कोहरे के चलते ट्रेनें और हवाई उड़ानें बंद, रोजाना दर्जनों ट्रेनें और उड़ानें हो रही हैं लेट। तापमान में गिरावट के चलते श्रीनगर में शीतलहर जारी, ठंड से लोगों का हालत बेहद खराब, ठंड के चलते लोग घरों में छिपने को मजबूर। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार, उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, अभी और लुढ़केगा तापमान। नौ जनवरी को बारिश होने की संभावना, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरे से मिलेगी राहत, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। देशभर में सर्दी का सितम बरकरार, शीतलहर से प्रकोप से लोग परेशान, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी।
बाइडेन के सरकारी आवास व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, गेट से टकराई अज्ञात वाहन। बाइडेन के सरकारी आवास में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला। जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस के गेट से एक अज्ञात वाहन टकराया, सुरक्षा बलों ने चालक को किया गिरफ्तार। चालक को पुलिस टीम ने हिरासत में लिया, फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। पाकिस्तान में पोलियो टीम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर भीषण हमला, धमाके में 5 जवानों की मौत, 22 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान के बजौर में बड़ा धमाका, ब्लास्ट में 5 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर, वहीं 22 से अधिक लोग घायल, इलाज के लिए घायलों को किया गया अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शमी को दिया अर्जुन अवार्ड। शमी ने पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया के लिए किया है शानदार प्रदर्शन। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 7 विकेट लिए थे अपने नाम। 2023 के 7 मैचों में 24 विकेट झटके।